Hello, children. In this video, we will do important questions of database query using SQL.

थ्री है नंबर ऑफ़ द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट जो आप पैरामीटर पास करते हो राउंड फंक्शन में वो किसके लिए होता है वो नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लिए होता है मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए तो यहाँ पे थ्री है ओके okay? तो देखो यहाँ पे जो नंबर हमने पास किया उसमें है एट सेवन तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली यहां पे जीरो ऐड हो गया है फाइन क्यों क्योंकि हमने यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने स्पेसिफाई किए थे थ्री तो यहां पे हो गया सेवन पॉइंट एट सेवन जीरो ओके सिलेक्ट राउंड फाइव पॉइंट एट फाइव पॉइंट एट आपने नंबर पास किया है ओके okay? तो ये नियरेस्ट अब, अब नंबर में इसको कन्वर्ट कर देगा आपका आंसर आ गया है सिक्स सिलेक्ट राउंड फोर अब देखो इसने जो हमने सेकंड पैरामीटर पास किया वो है वन मतलब डेसिमल के बाद आपका क्या आना चाहिए एक ही डिजिट आना चाहिए ओके तो सिक्स फाइव को इसने कन्वर्ट कर दिया सेवन में तो आपका रिजल्ट आ गया है फोर पॉइंट सेवन ओके नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्कान अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज ग्रुप्ड रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ ग्रुप बाय क्लॉज ओके मुस्कान ने क्या किया? एक टेबल के रिकॉर्ड्स को ग्रुप किया है ठीक है उनको ग्रुपिंग में डाला है किसकी हेल्प से ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से फिल्टर ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड जनरेटेड टू ग्रुप बाय

ग्रुपिंग uh, की है टेबल्स के रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग uh, की ग्रुप बाय क्लॉज से ठीक है अब वो जो ग्रुपिंग uh, हुई है उसको और फिल्टर करना चाहती है तो वो चाहती है कि कौन सा क्लॉज लगाए जिससे उसकी और फिल्ट्रेशन हो सके ओके okay? तो यहाँ पे देखो इसका आंसर क्या विल बी जनरेटेड टू थ्रू ग्रुप बाय क्लॉज अब हैविंग क्लॉज क्या करता है उन ग्रुप्स को और भी ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं जो ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हमने ग्रुप जिनकी ग्रुपिंग की है यहाँ पे फिल्टर करने का मतलब है उनको और भी अलग अलग कर सकते हैं मतलब उन ग्रुप के अंदर भी हम डिवीजन कर सकते हैं फाइन ओके अब देखो एग्जांपल देखते हैं सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट्स ग्रुप बाय क्लासेस अब हम क्या निकाले मैक्सिमम मार्क्स निकाले स्टूडेंट की ठीक है स्टूडेंट टेबल के अंदर से और हमने ग्रुपिंग किसकी करी क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग की है ओके हैविंग क्लासेस अब देखो पहले हमने क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर ली ओके okay? जैसे आपने कर लिया नाइन हमने क्या किया फोर क्लासेस ले ली नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ ओके और उनके मैक्सिमम मार्क्स की ग्रुपिंग कर ली नाइन्थ की भी नाइन्थ के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग uh, कर ली आपने टेंथ के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली और आपने इलेवंथ के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर ली और आपने ट्वेल्थ के मैक्सिमम मार्क्स की भी ग्रुपिंग कर, कर ली तो अब आपके पास चार ग्रुप आ गए चार ग्रुप आ गए ओके okay? लेकिन अब हम हमने चार ग्रुप के अंदर भी और फिल्ट्रेशन कर लिया और हमने सेग्रीगेशन कर दिया किसकी हेल्प से हैविंग हैविंग क्लासेस इन टेन एंड इलेवन तो अब हमारे पास सिर्फ इसके अंदर चार ग्रुप्स के अंदर से हमने कितने ग्रुप्स निकाले दो दो ग्रुप्स को निकाल दिया पहले हमने ग्रुपिंग करी ग्रुप बाय क्लॉज से ओके स्टूडेंट टेबल में ग्रुप बाय क्लॉज से हमने चार लेटर्स वो दिस इज एन एग्जांपल ठीक है हमने चार ग्रुप्स बनाए और उन चार ग्रुप्स में से भी हमने क्या किया दो ग्रुप्स को फिल्टर कर दिया दो ग्रुप्स को निकाल लिया ठीक है बाय यूजिंग द हैविंग ठीक है? अब गिवन क्वेरी विल अरेंज रिकॉर्ड्स इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द क्लासेस ठीक है मैंने अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू द क्लासेस आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गए फर्दर फिल्टरिंग ऑन दिस ग्रुप विल हैपन थ्रू हैविंग क्लॉज और हमने फर्दर फिल्टरिंग किसकी हेल्प से कर दी हैविंग की हेल्प से कर दी विल फाइनली डिस्प्ले द हाइएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास टेन एंड इलेवेंथ तो हमें अब रिजल्ट में क्या मिला उन ग्रुप्स में से टेंथ का और इलेवेंथ वाले ग्रुप का रिजल्ट मिल गया ओके okay. फर्दर हमने क्या कर दिया उसका फिल्ट्रेशन कर दिया ओके okay. तो ग्रुप बाय क्लॉज में अगर आपको फर्दर फिल्ट्रेशन चाहिए तो आप क्या यूज करोगे हैविंग क्लॉज का यूज करोगे ओके थर्ड क्वेश्चन मिस्टर सोमित अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इन राइजिंग स्टार पब्लिक स्कूल हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग टेबल टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल तो हमारे पास यहां पे स्टूड इन्फो करके टेबल आ गई है दिस इज स्टूड इन्फो टेबल ओके अब इससे रिलेटेड क्वेरीज देखते हैं ही हैज रिटन द फॉलोइंग क्वेरीज हियर फर्स्ट क्वेरी सिलेक्ट मिन ठीक है मेन फंक्शन में आपने पास किया ईयर ईयर फंक्शन फंक्शन ओके और में आपने पास किया है डी ऑफ बर्थ कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट इन ओके तो ईयर फंक्शन क्या करता है डेट ऑफ बर्थ में से ईयर को निकाल लेगा ओके okay? आपके पास ईयर आ गया फाइन तो इसमें से जितने भी ईयर्स है तो ईयर्स निकल गए आपके सिर्फ और सिर्फ ईयर्स आ गए

मंथ फंक्शन में आपने पास क्या किया है डी ओ ए डेट ऑफ एडमिशन अब मंथ फंक्शन में आपने डेट ऑफ एडमिशन को पास किया है तो क्या होगा इसमें जितने भी मंथ हैं ओके वो सारे ये क्या कर देगा निकाल देगा ओके okay? अब आगे कंडीशन क्या है मंथ डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू जीरो फोर जहां पे क्या है जीरो फोर है जीरो फोर यहाँ पे है हमारा ओके okay? तो पूरी अब देखते हैं सिलेक्ट एस नेम एस नेम को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एस नेम ओके फ्रॉम स्टूडेंट फोर वेयर मंथ जहां पे मंथ क्या है जीरो फोर है ठीक है तो आपका आंसर क्या आ गया ओके अंडरस्टूड वी हैव द सेम टेबल स्टूडेंट फो हमारे पास अगेन सेम टेबल है स्टूडेंट फो बेस्ट ऑन द टेबल गिवन अबव हेल्प मिस्टर सोमथ राइटिंग क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग टास्क ठीक है अब हमें इस टेबल के बेस पर जो भी क्वेरीज दी गई है उनको सॉल्व करना है फर्स्ट क्या है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टूडेंट एंड हिज हर डेट ऑफ बर्थ हमें क्या क्या डिस्प्ले uh, uh, करना है नेम डिस्प्ले करना है ठीक है और और किसका ओल्डेस्ट स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करना है उसकी डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करनी है और इसके लिए हमें कमांड लिखनी है क्वेरी लिखनी है ओके okay? तो हमने क्या दिया सिलेक्ट नेम ओके एसनेम मेन मिन मिन फंक्शन में आपने क्या किया है ईयर डाला है ईयर ओके ईयर डीओबी डेट ऑफ बर्थ तो डेट ऑफ बर्थ फंक्शन ईयर फंक्शन क्या करेगा डेट ऑफ बर्थ फंक्शन में से डेट ऑफ बर्थ आपका निकाल लिया ठीक है डेट ऑफ बर्थ निकाल लिया सॉरी uh, ईयर निकाल लिया ईयर निकाल लिया इसने डेट ऑफ बर्थ का ईयर फंक्शन ने अब मेन फंक्शन ने क्या किया उस ईयर में से जो स्मॉलेस्ट था उसको निकाल लिया 1985 ओके okay. तो so, 1985 में जो बच्चा uh, जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है सबसे बड़ा है सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट है ओके okay? ओके okay, ये हमने कर लिया फाइन तो हमने क्या दे दिया एस नेम उसका नाम दे दिया एस नेम एस नेम एंड क्या किया हमने एंड हिज और डेट ऑफ बर्थ और उसकी डेट ऑफ बर्थ भी एस नेम अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं डीओबी भी दे सकते थे मिनिमम ये इससे तो ही निकल गया कौन सा ठीक है uh, एंड हीज हर डेट ऑफ बर्थ ठीक है तो यहाँ पे आप मिनिमम करके आ, उसको सिंपल आप उसको डिस्प्ले भी करा सकते थे सिलेक्ट एस नेम हमने एस नेम से या उसका नेम डिस्प्ले करा दिया ओके और यहाँ कंडीशन देखिए जो मिनिमम था वो हमने निकाल लिया कि जो ओल्ड एज स्टूडेंट है उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है फ्रॉम स्टूडेंट फोर ठीक है तो हमारा ये आ गया फाइन समझ आया आपको हमने क्या किया जो ओल्ड स्टूडेंट था उसका नाम यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया है फाइन ओके अब और उसका जो ईयर था उसको भी हमने डिस्प्ले करा दिया है फाइन डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है ना वो भी डिस्प्ले हो जाएगा फाइन टू डिस्प्लेम ऑफ दोन ऑफ अगस्तेंट के लिए है, जिनका कभ, कभ हुआ है? अगस्त में हुआ सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट फोर टेबल का नाम है वेयर मंथ मंथ फंक्शन से क्या होगा जितने भी जो डी ओ ए डेट ऑफ एडमिशन है कॉलम है उसके मंथ निकल के आ जाएंगे मंथ निकल के आ जाएंगे ठीक है तो मंथ इक्वल टू हमने क्या दे दिया एट ओके इक्वल टू एट तो यहाँ पे जिसका भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ एट है अगस्त है फाइन उसका रिकॉर्ड आपका क्या होगा प्रिंट हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा फाइन तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही तो यही वाला डिस्प्ले होगा ठीक है तो आपने ऐसी क्वेरी दी है सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट फोर वेर मंथ डेट ऑफ एडमिशन इज इक्वल टू डेट ऑफ एडमिशन इक्वल टू एट ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज आपको इन क्वेरीज के आउटपुट बताने सिलेक्ट इन स्ट्रिंग इंडिया इज माय कंट्री माई तो इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है इन स्ट्रिंग फंक्शन पोजीशन बताता है सब स्ट्रिंग की फाइन तो यहाँ पे मेन स्ट्रिंग आपकी इंडिया इज माय कंट्री है फाइन ओके ओके इंडिया इज माई कंट्री आपकी क्या है मेन स्ट्रिंग है और आप में माई जो उसकी सब स्ट्रिंग है उसकी पोजिशन बतानी है ठीक है तो यहाँ पे देखो इंडिया इज माई कंट्री में आपको माई की पोजिशन बतानेट्रिंग फंक्शन क्या करता है सब स्ट्रिंग की पोजिशन बताता है तो यहाँ पे माई की पोजिशन आ गई है टेन अगर हम वैसे भी काउंट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्पेस को भी काउंट किया जाता है सेवन एट नाइन टेन ओके तो यहाँ पे माई की पोजिशन जो माई सब स्ट्रिंग है उसकी पोजिशन आ गई है सिलेक्ट सब स्ट्रिंग स फोर थ्री अब यहाँ पे हमें सब स्ट्रिंग यूज सिलेक्ट करनी है इसमें से निकालनी है जो हमारी मेन स्ट्रिंग है उसमें से सब स्ट्रिंग को निकालना है ओके स्टार्ट कहाँ से करना है फोर्थ करेक्टर से फोर्थ पोजीशन से आपको स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर्स uh, निकालने हैं कितने लेटर्स निकालने हैं थ्री लेटर्स निकालने हैं तो फोर्थ वन टू थ्री फोर ठीक है फोर आपका ए है और थ्री निकालना ए आर ई -E आर तो आपके पास आर आ गया फाइन सब स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग के अंदर से क्या करता है निकालता है करता है, गार्जियन टेबल का स्ट्रक्चर है शी नीड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क ऑन द टेबल अब ये टास्क करने हैं जो कमांड्स दिए हैं टेबल के ऊपर ये टास्क करने हैं. कौन कौन से करने हैं? टू फेच लास्ट फोर करेक्टर्स फ्रॉम द जी यू आई डी कॉलम जी यू आई डी कॉलम से क्या करना है लास्ट फोर करेक्टर्स को एक्सटेक्ट करना है

Okay, यहाँ पे जी यू आई कॉलम है तो आप यहाँ पे जी यू कॉलम भी लिख सकते हो जी यू कॉलम राइट ओके जी नेम की जी यू आई कॉलम भी आप लिख सकते हो राइट ओके तो हमें राइट right साइड से कितने कैरेक्टर्स को स्ट्रेक्ट करना है हमें एंड ऑफ द स्ट्रिंग के फोर करेक्टर्स फ्रॉम गार्डियन पाइन तो जी नेम क्योंकि यहाँ पे जी यू आई तो आप यहाँ पे जी यू

ये लोअर फंक्शन भी आप यूज कर सकते हो सिलेक्ट एल केस उसमें आपने जी नेम कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम गार्जियन ओके तो जी नेम कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी टू डिस्प्ले सिक्स करेक्टर्स फ्रॉम थर्ड प्लेस फ्रॉम द कॉलम जी एड्रेस ओके अब हमें क्या करना है सिक्स करेक्टर्स को निकालना है फिफ्थ पोजिशन से ठीक है आप यहाँ पे सिलेक्ट मिड भी कर सकते हो सिलेक्ट सब स्ट्रिंग भी कर सकते हो सिलेक्ट सिलेक्ट सब एस टी आर भी कर सकते हो दे ऑल आर सेम तो आपने यहाँ पे कॉलम का नेम पास किया ठीक है पोजीशन पास की किस पोजीशन से आपको एक्सट्रैक्ट करना है फिफ्थ पोजीशन से और कितने करेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है सिक्स करेक्टर्स को ठीक है तो यहाँ पे इसके फिफ्थ पोजीशन से वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है आठ से स्टार्ट होगा और सिक्स करेक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे फाइन Now the next question is Rina is working with functions of MySQL. Explain her following. What is the purpose of date function? Date function का क्या purpose है? Okay. This function returns only date part from the given date or date time expression. Date function की help से हम क्या कर सकते हैं किसी भी dates, date से date या date time expression से only हम किसको access कर सकते हैं date part को extract कर सकते हैं access कर सकते हैं. Syntax क्या है date function और date function में आप date time expression या date को pass करोगे. ठीक है अब यहाँ पे एग्जांपल दे दू हमने यहाँ पे कमांड डेट और डेट के अंदर हमने डेट टाइम एक्सप्रेशन को पास कर दिया फाइन तो देखो यहाँ पे डेट टाइम एक्सप्रेशन से इसने सिर्फ डेट को एक्सटेंड करके शो कर दिया है ओके अब नेक्स्ट हाउ मेनी पैरामीटर्स डज इट एक्सेप्ट डेट फंक्शन के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं

ओके यू विल गेट ईयर मंथ एंड डे सॉरी दिस इज डे ओके आपको किस फॉर्मेट में डेट मिलती है ईयर मंथ डे इस फॉर्मेट में आपको डेट मिलेगी ओके okay? क्स्ट क्वेश्चन वायर डीलिंग विद्रिंग एक्सिक्यूशन जब हम कई बार स्ट्रिंग डेटा टाइप को यूज करते हैं माई स्किल के अंदर तो क्या होते हैं अननेसेसरी स्पेस होते हैं फंक्शन टू रिमूव लीडिंग ट्रेलिंग एंड बोथ टाइप्स ऑफ स्पेस करेक्टर्स थोमर स्ट्रिंग तो ऐसे कौन से स्किल फंक्शंस हैं हमें उन स्किल फंक्शंस के नेम बताने हैं जो उसके लीडिंग स्पेसिस मतलब जो उसके स्टार्टिंग में स्पेसिस आते हैं उनको रिमूव कर दे ट्रेलिंग स्पेसिस जो स्ट्रिंग के बाद स्पेस आते हैं उसको रिमूव कर दे और दोनों टाइप के स्पेसिस को रिमूव कर दें ओके ऑल्सो गिव माई स्कूल क्वेरीज टू डिपिक्ट द सेम और इसको क्वेरीज भी आपको बतानी है कि किस तरीके से आप उनको एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले क्या है हमारे पास एल एल्ट्रीम फंक्शन एल एल्ट्रीम फंक्शन क्या करेगा उसके लीडिंग स्पेसिस को लीडिंग मतलब जो उससे पहले आए हुए हैं उसके लेफ्ट साइड में जो स्पेस है उनको रिमूव करेगा सिलेक्ट एल्ट्रिम आई पी सैंपल पेपर टर्म टू फाइन तो जो इसके स्टार्टिंग में स्पेस आया है तो एल एल्ट्रिम क्या करेगा लेफ्ट साइड के स्पेस को लीडिंग स्पेस को क्या कर देगा रिमूव कर देगा फाइन नेक्स्ट आर ट्रिम आर ट्रिम फंक्शन क्या करता है आर ट्रिम फंक्शन स्ट्रिंग के राइट साइड पर जो स्पेसेस होते हैं ट्रेलिंग स्पेसेस होते हैं उनको रिमूव कर देता है राइट right? तो आईपी सैम्पल पेपर तो यहाँ पे राइट right साइड के स्पेस को इसने रिमूव कर दिया ट्रिम फंक्शन अब थर्ड फंक्शन क्या है ट्रिम ट्रिम फंक्शन फंक्शन क्या करता है राइट right, जो आपके लेफ्ट साइड के स्पेसिस होते हैं राइट साइड के स्पेसेस होते हैं मीन्स आपके लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस दोनों टाइप्स के स्पेसिस को रिमूव कर देता है ओके तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है आप जो भी स्ट्रिंग पास करोगे उसके राइट right साइड के और लेफ्ट साइड के स्पेसिस को रिमूव कर देगा फाइन

डिस्ले द रिकॉर्ड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सैलरी हमें जो एम्प्लॉ टेबल है उसके रिकॉर्ड क्या करने, decreasing order में display करने है ठीक है सैलरी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें जिसकी मतलब सैलरीज uh, कॉलम को यहाँ पे हमने बेस uh, बनाया है ठीक है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है उसके रिकॉर्ड्स को क्या करना है डिस्प्ले करना है ठीक है सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय ऑर्डर बाय क्या करता है अरेन्ज कर देता है रिकॉर्ड्स को ठीक है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में बाई डिफॉल्ट वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करता है फाइन ऑर्डर बाय सैलरी अगर आप दोगे ऑर्डर बाय सैलरी दोगे तो सैलरी uh, क्या करेगा स्मॉलर टू हायर सैलरी की तरफ ले जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो रिकॉर्ड्स को अरेंज कर देगा तो यहाँ पे हमें कीवर्ड लगाना है डी ई e टोटल सैलरी के लिए तो तो हमने सम निकाला सैलरी का सम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट ठीक है ग्रुप बाय से क्या किया डिपार्टमेंट वाइज हमने क्या कर दिया सैलरी का सम कर दिया Fine, समझ में आ गया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट क्योंकि हमें क्या करना था डिपार्टमेंट वाइज टोटल पहले हमने क्या करना है यहाँ पे हमें क्या करना था डेजिग्नेशन वाइज एवरेज सैलरी बताने थी तो हमने एवरेज सैलरी बता दी और ग्रुपिंग किसे कर दी डेजिग्नेशन ग्रुप बाय डेजिग्नेशन तो डेजिग्नेशन वाइज जितनी भी डेजिग्नेशन है अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी आपकी आ गई है फाइन टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट लोएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड हाईएस्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट वाइज ऑफ एम्प्लॉई तो सबसे पहले टू डिस्प्ले डिपार्टमेंट सेलेक्ट डिपार्टमेंट मिनिमम फंक्शन में हमने हाँ क्या कर दिया

तो आपको क्या करना है आपको देखना है कहाँ पे स्ट्रीम आपका कॉमर्स है और सेक्शन क्या है बी ठीक है जहां पे स्ट्रीम कॉमर्स है और सेक्शन बी है वहां पे क्या करना है आपको सम निकाल देना है ठीक है अब आप जब कंप्यूटर पे करते हो तो बाय डिफॉल्ट सम आ जाएगा लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको ये देखना है कि क्या कंडीशन दी हुई है तो कंडीशन क्या है आपको सम करना है फीस का और कहाँ पे जहाँ पे स्ट्रीम कॉमर्स है और सेक्शन बी है तो दिस इज द सम नेक्स्ट सिलेक्ट स्ट्रीम स्ट्रीम आई

स्टूडेंट फी ग्रुप बाय सेक्शन ओके तो सबसे पहले क्या करो जितने भी सेक्शन दिए उनकी ग्रुपिंग कर दो ठीक है जितने भी ए वाले सेक्शन है ठीक है और बी वाले सेक्शन है सी वाले सेक्शन है तीनों की ग्रुपिंग कर दो सबसे पहले सेक्शन आ गए स्ट्रीम आ गई ठीक है उनकी स्ट्रीम्स आ गई और उनकी एवरेज फीस आपको निकाल ठीक है अकॉर्डिंग टू द ग्रुप अगर ए ए सेक्शन टू टाइम्स आ रहा है थ्री टाइम्स आ रहा है तो उ, 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 उसकी जितनी भी फीस है उसको एड करके उसका उसका एवरेज निकाल दो उससे डिवाइड करके नंबर ऑफ टाइम्स इट इज कमिंग ओके एवरेज क्या होता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऐसे ही आपको करना है अगर ए सेक्शन चार बार आ रहा है मतलब साइंस स्ट्रीम ही ले लो साइंस स्ट्रीम चार बार आ रही है तो उसकी चार चार बार जो आ रही है तो उसकी फीस को ऐड करो और फोर से डिवाइड कर दो तो एवरेज आपकी फीस निकल के आ जाएगी फाइन सिलेक्ट नेम सेक्शन लेंथ नेम लेंथ क्या होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स इन कॉलम तो नेम कॉलम के अंदर जो लेंथ uh, है जितनी वेरीज होगी उसके आपके नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने फ्रॉम स्टूडेंट फी वेयर सेक्शन इज ए और स्ट्रीम कॉमर्स अब यहाँ पे और यूज हुआ है ओके okay? तो आप में और में क्या जहाँ पे सेक्शन ए है वो भी आएगा और जहां पे स्ट्रीम कॉमर्स है वो भी आएगा जहाँ पे सेक्शन ए है वो वैल्यूज भी आएंगी वो रिकॉर्ड्स भी आएंगे जहाँ पे स्ट्रीम कॉमर्स है वो भी आएगा और जहाँ पे दोनों है ए सेक्शन ए और स्ट्रीम कॉमर्स वो दो, वो तो, वो रिकॉर्ड्स भी आएगा ठीक है क्योंकि और के अंदर ये तीनों कंडीशन रिलेट होती है फाइन तो सबसे पहले आपने नेम दे दिया ठीक है सेकेंड आपने सेक्शन दे दिया यहाँ पे सेक्शन दे दिया लेंथ नेम की आपको लेंथ निकालनी है Fine. और ये सेक्शन ए है।, है।, है या जहाँ पे स्ट्रीम कॉमर्स है या या फिर दोनों चीजें हैं सेक्शन ए भी है और स्ट्रीम कॉमर्स भी है फाइन प्रिडिक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज हम हमें जो क्वेरीज दी गई है उसका आउटपुट प्रिडिक्ड करना है Length. Length क्या होता है नंबर ऑफ करेक्टर्स ओके डेटा साइंस अब यहाँ पे क्या आपको लेंथ जैसी लेंथ फंक्शन आता है आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे करने वन टू थ्री फोर यहाँ पे एक स्पेस करेक्टर हो गया फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो आंसर आ गया ट्वेल्व खुद काउंट करना पड़ेगा पेपर में ठीक है सिलेक्ट मंथ मंथ फंक्शन क्या करता है मंथ को एक्सटेड uh, करके दिखा देता है तो यहाँ पे मंथ हमारा क्या है थ्री है मार्च है तो आपका आंसर आ गया थ्री फाइन

वर्कर्स की डिटेल डिस्प्ले uh, uh, करनी है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डी तो आपकी क्वेरी क्या है सिले स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय से क्या होगा अरेंज हो जाएगा ठीक है डी ओबी कॉलम के अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा और हमें क्या करना डिसेंडिंग ऑर्डर में देना था तो हमने यहाँ पे डीईएससी कीवर्ड दिया डीईएससी कीवर्ड से क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कॉलम की वैल्यूज होती है वो अरेंज हो जाती है तो डी ऑर्डर बाय से हमने डीओबी जो कॉलम है उस उस कॉलम को हमने अरेंज कर दिया आ, क्या कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ हम, हमने दिया इसलिए स्टार तो डीओबी के अकॉर्डिंग क्या होगा इसके सारे टेबल के सारे के सारे कॉलम्स अरेंज हो जाएंगे डीओ कॉलम के अकॉर्डिंग ठीक है समझ आया अब क्या है टू डिस्प्ले नेम नेम डिस्प्ले करना है सिलेक्ट नेम डेजिग्नेशन ऑफ दोज वर्कर हुज पी लेबल जीरो वन और पी जीरो जीरो टू ठीक है तो हमें क्या करना डेजिग्नेशन नेम और डेजिनेशन डिस्प्ले करना है वर्कर टेबल से जहां पे पी लेवल कहा किसमें आता है या तो पी जीरो जीरो पी जीरो जीरो टू में आता है तो सिंपल हमने क्या किया है सिलेक्ट नेम डेजिग्नेशन फ्रॉम वर्कर वेयर पी लेवल इन इन की का यूज किया है जहां पी लेवल आता है पी जीरो जीरो वन में और पी जीरो जीरो टू में समझ आया यहाँ पे नेम और डेजिनेशन उन वर्कर्स के आ जाएंगे जिनका पी लेवल किस में आता है पी, पी जीरो जीरो वन में आता है या पी जीरो जीरो टू में आता है ठीक है अंडरस्टूड समझ आया आप उसको अप्लाई करते हैं रोज ऑफर टेबल इन एसक्यूएल अगर आपको रोज में रिकॉर्ड में चेंज करना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करते हो अपडेट कमांड का ओके okay? और अगर आपको टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है तो आप ऑल्टर टेबल का यूज करते हो फाइन द ऑल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल फाइन ओके नाउ नाउ एस फंक्शन गिव द करेंट डेट एंड टाइम फाइन नाउ एक्सुअल फंक्शन से हमें क्या मिल जाता है करेंट डेट और टाइम मिल जाता है की की इन टेबल इज टू एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का हम क्यों यूज करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को लगाने के लिए रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटीज कुछ रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं वो आप क्या करते हैं जब आप फॉरन की का यूज करते हैं तो उस टेबल को वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं जैसे कि कोई भी रिकॉर्ड जब तक प्राइमरी की टेबल में डिलीट नहीं हो, होता है तब तक वो पॉइंट की टेबल में वो डिलीट नहीं होता है हो, हो सकता ठीक है तो दे आर सो मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच कम्स अंडर अंडर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फ़ाइन आउटपुट ऑफ है फर्स्ट वैल्यू रेज होती है सेकेंड वैल्यू तक यहाँ पे थ्री है तो फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव आएगा ठीक है तो इसका रिजल्ट आ गया वन ट्वेंटी फाइव फाइव इंटू क्या आएगा ये फाइव इंटू थ्री टाइम्स आएगा फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव

टू फाइन तो आप यहाँ पे क्या कर फाइव को थ्री से डिवाइड कर रहे हो. आपका रिमाइंडर आ जाएगा फाइव थ्री आपका रिमाइंडर आ गया फाइन तो मोड से आपको क्या मिलता है रिमाइंडर मिलता है मोड को आप मॉड्यूलर भी बोलते हो फाइन एक नंबर की रेस टू दावर ऑफ अनादर नंबर जिसको हम क्या करते हैं दूसरे नंबर तक उस, uh, उसको रेस करते हैं जैसे एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे पावर थी जो अभी हमने किया था हम यहाँ पे फाइव को रेस करेंगे पावर तक ओके तो आपका आंसर आ गया 125 ट्वेंटी फाइव मोट फंक्शन इट रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवाइडेड बाय द अनदर नंबर ये क्या करता है रिमाइंडर हमें देता है एक नंबर को जब हम दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं हम फाइव को डिवाइड करेंगे थ्री से तो आपका रिमाइंडर आ गया टू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन व्हीकल इज गिवन बिलो हमारे पास क्या है एक रिलेशन है मतलब टेबल है व्हीकल ठीक है उस रिलेटेड ही कमांड्स हैं अब हमें क्या करना है क्वेरीज लिखनी है डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑफ ईच टाइप व्हीकल हैविंग क्वांटिटी मोर देन ट्वेंटी ओके आपको क्या करना है एवरेज प्राइस डिस्प्ले करना है एवरेज प्राइस डिस्प्ले करना है ईच टाइप ऑफ व्हीकल्स ठीक है तो देखो सिलेक्ट टाइप सबसे हमने पहले टाइप को सिलेक्ट किया एवरेज प्राइस ओके फ्रॉम वेहीकल अब ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है ग्रुपिंग हमें करनी है टाइप के अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है ईच टाइप ऑफ वेहीकल ईच टाइप ऑफ वेहीकल ठीक है तो एस यू बी एस टाइम्स वैन मिनिडिंग इनको अकॉर्डिंग इनको क्या करनी है ग्रुपिंग करनी है ग्रुप बाय टाइप टाइप के साथ हमने ग्रुपिंग कर दी हैविंग क्वांटिटी अब हमने नेक्स्ट uh, कंडीशन है जहां पे क्वांटिटी क्या है मोर देन ट्वेंटी हैविंग क्वांटिटी मोर देन ट्वेंटी ओके समझ आया सिलेक्ट टाइप एवरेज प्राइस फ्रॉम व्हीकल और एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा ग्रुपिंग करके ठीक है एवरेज प्राइस ग्रुपिंग कर दी हमने टाइप्स की तो एसयूवी और एसयूवी की जो प्राइस है तो वो वो ऐड हो जाएंगे और उनका एवरेज निकल जाएगा ठीक है समझ आया और मिनी वैन मिनी वैन का uh, के जो प्राइस है वो ऐड हो जाएंगे वैगन और वैगन uh, जीप और uh, यहां पे हमारे अलग-अलग uh, है और उनका कोई uh, और रिकॉर्ड नहीं है तो सिंगल ही उनका एवरेज निकल जाएगा ठीक है और जहाँ पे क्वांटिटी क्या है ग्रेटर देन 20 नेक्स्ट क्या है काउंट द टाइप ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ईच कंपनी आपको काउंट करना है व्हीकल्स ठीक है क्वांटिटी काउंट करनी है अकॉर्डिंग टू द टाइप अकॉर्डिंग टू द कंपनी ठीक है अकॉर्डिंग टू द कंपनी आपको क्वांटिटी को क्या करना है um, काउंट करना है तो आप इसके लिए क्या दोगे सिलेक्ट कंपनी कंपनी का नेम आ जाएगा काउंट डिस्टिंग तो जो एक जो आपका नेम है वो बार बार रिपीट नहीं होगा ठीक है फ्रॉम वेहीकल्स ग्रुप बाय कंपनी और ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करी है हमने कंपनी की हेल्प से करी है ठीक है कंपनी के अकॉर्डिंग हमने ग्रुपिंग की है राइट समझ आया काउंटर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स मैन्यूफे तो क्या होगा डिस्टिंक्ट टाइप क्या होगा जो एक व्हीकल एस एसयूवी एसयूबी दो बार आ रखा है तो एक ही बार आएगा ठीक है काउंट तो हो जाएगा ओके फ्रॉम व्हीकल्स ग्रुप बाय कंपनी नेक्स्ट क्या है टोटल प्राइस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द व्हीकल्स हमें टोटल प्राइस करना है ऑल टाइप्स ऑफ व्हीकल्स का तो सिलेक्ट किया टाइप सम ठीक है प्राइस इनटू क्वांटिटी फ्रॉम वेहीकल ग्रुप बाय टाइप टाइप के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका सम निकल के आ जाएगा ओके okay? टाइप के अकॉर्डिंग आपका सम निकल के आ जाएगा टोटल प्राइस निकल के आ जाएगा मतलब वेगन है उसका टोटल प्राइस आ जाएगा एस यू भी दो बार आया है उसकी ग्रुपिंग हो जाएगी और उसका प्राइस निकल के आ जाएगा मतलब उसका देखो प्राइस इंटू जैसे यहाँ पे ये आया है प्राइस इंटू एटीन फिर एस यू भी फिर हुआ है इसका प्राइस इंटू एटीन और इनका एडिशन हो जाएगा

सेकंड क्या है विच अल्टरनेटिव फंक्शन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में हम और कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं हम मिड फंक्शन यूज कर सकते हैं फंक्शन यूज कर सकते हैं ठीक है इन तीनों का आ, परपस सेम है तीनों का मीनिंग सेम है आर द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट इन द सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग फंक्शन में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट यूज होते हैं सबस्टिंग फंक्शन में आप क्या करोगे पास करोगे स्ट्रिंग को ओके स्टार्ट स्टार्ट क्या होता है द स्टार्ट पोजिशन मतलब किस कैरेक्टर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है उसकी पोजीशन बताओगे आप ठीक है देन लेंथ लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है फाइन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण इज वर्किंग ऑन माय स्कूल टेबल नेमड स्टूडेंट हैविंग द फॉलोइंग कॉलम्स ओके ये क्या है टेबल है उसकी कॉलम्स है

कैरेक्टर्स करने फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है आपका टेबल का नाम फाइंड सिलेक्ट सब स्ट्रिंग फ्रॉम स्टूडेंट सब स्ट्रिंग के अंदर आपने क्या कर दिया पैरामीटर्स पास कर दिया नेक्स्ट है टू डिस्प्ले नेम इन अपर केस एंड सिबलिंग नेम इन लोअर केस आपके जो नेम कॉलम है फाइंड वो आपको अपर केस में करना है तो सिंपल सिलेक्ट अपर नेम कॉलम को पास कर दिया एंड लोअर लोअर के अंदर आपने सिबलिंग कॉलम को पास कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट स्टूडेंट क्या है टेबल का नाम टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स इन द कॉन्टेक्ट नंबर फील्ड टोटल नंबर आपको काउंट करना है तो आप क्या करोगे लेंथ फंक्शन का यूज करोगे सिलेक्ट लेंथ ठीक है कॉन्टेक्ट नंबर कॉन्टेक्ट नंबर आपने कॉलम पास कर दिया फ्रॉम स्टूडेंट ओके तो ये क्या करेगा इस कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज है उसकी लेंथ नंबर ऑफ करेक्टर्स को पास कर देगा ओके okay? ओके नेक्स्ट वी हैव फॉलोइंग टेबल गेम्स एंड राइट कमांड्स फॉर मनी मोर देन 7000 ठीक है, हमें है. है? तो हमें क्या करना है uh, uh, डिस्प्ले कराना है जहां पे प्राइज मनी क्या है 7000 थाउजेंड से ग्रेटर है तो सिंपल ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गेम्स ओके

ओके एंड नंबर नंबर को डिस्प्ले करना है फ्रॉम गेम्स और ग्रुपिंग किसकी हेल्प से करनी है से जैसे नंबर दो बार आया इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी थ्री मतलब थ्री टाइम्स आया इसकी ग्रुपिंग हो जाएगी और फोर आ, फोर आया तो यहाँ पे हमारे बेसिकली टू ग्रुप्स बनेंगे टू का और फोर का टू ग्रुप्स बन जाएंगे ठीक है और उसके अकॉर्डिंग प्राइस मनी का सम हो जाएगा ओके okay, और नंबर ग्रुप बन के डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टू वन टाइम आएगा फोर वन टाइम आएगा और प्राइज मनी का ग्रुपिंग करके ये डिस्प्ले हो जाएगा ओके नी है टेबल टीचर गिवन बिलो हमारे पास टीचर टेबल है और इससे इस रिलेटेड हमें ये क्या करना है फाइन अब इसको करते हैं ओके फर्स्ट okay. क्या है टू ठीक है तो यहाँ पे दो आपको दिया गया कि होनी होनी चाहिए और PGT teachers होनी चाहिए fine. Uh, और और ठीक है सारे रिकॉर्ड्स के लिए आप क्या करते Start from teachers हमने कर दिया लेकिन कंडीशन क्या है Where? आपकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए इक्वल टू पीजीटी पीजीटी होनी चाहिए एंड जेंडर क्या होना चाहिए फीमेल होना चाहिए ओके okay? अंडरस्टूड हो गया सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम टीचर टीचर क्या है टेबल का नाम वे कैटेगरी इक्वल टू पीजीटी जहां पे कैटेगरी पीजीटी होनी चाहिए एंड जेंडर क्या होना चाहिए फीमेल होना चाहिए राइट नेक्स्ट टू लिस्ट नेम डिपार्टमेंट्स एंड डेट ऑफ हायरिंग ऑफ ऑल द टीचर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ ज्वाइनिंग ठीक है यहाँ पे हमें क्या करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को अरेंज ठीक है तो हमने क्या किया सिलेक्ट नेम डिपार्टमेंट ओके हायर डेट फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय हायर डेट हायर डेट को क्या करना है अरेंज करना है और किस ऑर्डर में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर तो हमने डी एस सी की वर्ड बना लगा दिया ठीक है ऑर्डर बाय हायर डेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अगर आप सिंपल यहाँ पे अगर ये लगा देते तो क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाता लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको डीएससी की वर्ड लगाना पड़ेगा फाइन

डिपार्टमेंट की ग्रुपिंग करने ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करना है आपको ठीक है आपने काउंट टीचर्स को काउंट किया ओके okay? उनकी सैलरी का सम किया और सैलरी कैसे आपने सम uh, कैसे निकालना है डिपार्टमेंट वाइज आपने सम निकालना है फाइन नेक्स्ट टू डिस्प्ले द हायर डेट ऑफ सीनियर मोस्ट टीचर इन मेल एंड इन फीमेल ओके सिलेक्ट मैक्स हायर डेट सीनियर मोस्ट टीचर कैसे uh, होगी जिसकी हायर डेट क्या होगी सबसे बड़ी होगी ठीक है हायर डेट ऑफ सीनियर मोस्ट टीचर मैक्स हायर डेट जेंडर और जेंडर कॉलम को आपने डिस्प्ले कराया फ्रॉम टीचर ग्रुप बाय जेंडर और यहाँ पे आप क्या हो, जेंडर के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग कर फाइन ओके चिल्ड्रन अब यहाँ पे हमने क्या किया कुछ क्वेश्चंस किए हैं ठीक है अब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे लेकिन सेम फॉर्मेट की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ठीक है जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या आएगा कमांड्स लिखनी आएगी आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को करना है फाइन तो आपको क्या करना है प्रैक्टिस करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, की प्रैक्टिस करनी है और ये भी हो सकता है बाय चांस इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए मे बी इट्स आई एम सेइंग दिस तो क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ओके थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम